नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विन्यास अर्थात सिंटेंस के अंतर्गत वाक्य के भेद अथवा वाक्य के प्रकार। तो चलिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, वाक्य के अथवा वाक्य के प्रकार। यह आता है वाक्य विन्यास के अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स। तो वाक्य क्या है, पहले ये देख लेते हैं। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का उद्देश्य अथवा अभिप्राय पता नहीं चलता। लेकिन जब हम शब्दों को निश्चित क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं और उसको जब वक्ता स्वाभाविक गति से बोलता है, नॉर्मल स्पीड से, तब वक्ता का उद्देश्य हमको पता चल जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं हम। नदी के किनारे किनारे एक गाय जा रही थी, मतलब विभिन्न पदों को हमने व्यवस्थित क्रम में जमा लिया है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता अथवा सामर्थ्य होती है। तो यहां पर यह जो पद आया है, पद, अब ये पद क्या होता है, पद और शब्द। तो जब हम शब्दों में आवश्यक परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तब उसे हम कहते हैं पद। मतलब जो डिक्शनरी में जो आप देखते हैं वह होते हैं शब्द, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। लेकिन उन शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब उसमें हम कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, और परिवर्तन करने के बाद जो हमको मिलता है उसे हम कहते हैं पद। और हम वाक्यों में पदों का प्रयोग करते हैं, वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, पदों का प्रयोग करते हैं। जैसे जाना एक शब्द है, अब जाना के कई रूप में हम प्रयोग करते हैं। वह जाती है, वे जाते हैं, है ना, वह जाएगा, उसे जाना चाहिए, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो देखिए, जाना शब्द कितने प्रकार से बदल गया, तो इसे हम कहते हैं पद। और जब हम पदों को व्यवस्थित तरीके से जमा देते हैं तब उसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और इसे ही कहते हैं वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता अथवा सामर्थ्य होती है। तो वाक्य आप समझ गए होंगे, वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह होता है जिसमें निश्चित अर्थ देने की क्षमता विद्यमान होती है। तो यह हो गया वाक्य की परिभाषा। वाक्य के अंग, वाक्य के कौन कौन से हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा भाग होता है विधेय जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी यही है, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट और विधेय मतलब प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो भाग होते हैं। एक छोटा सा वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, राहुल आया। राहुल एक लड़के का नाम है, यह सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो राहुल आया, इसके दो अंग हैं, राहुल और आया। तो कौन आया, राहुल आया, राहुल ने क्या किया, आया। तो यहां राहुल के बारे में बात की गई है, अतः राहुल वाक्य का उद्देश्य है, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं अथवा जो काम का करने वाला है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स अबाउट हुम समथिंग इज सेड अथवा द डूअर ऑफ द एक्शन। तो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया राहुल, और राहुल के बारे में क्या कहा गया है, आया, वह आया, एक एक्शन किया उसने, वह आया। तो यहां आया क्या हो गया, विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो आप समझ गए, सब्जेक्ट मतलब डूअर ऑफ द एक्शन या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जो वाक्य का बचा हुआ हिस्सा है जो डूअर के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं विधेय। अब देखिए, सब्जेक्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट या उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। अब जैसे बोलते हैं कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, राहुल आया जो कि एक बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत अच्छा लड़का उसके विशेषता बता रहे हैं, तो उद्देश्य का विस्तार हो गया। आगे हम देखते हैं, एक्सटेंशन हो गया उसका। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये डूअर है, ये सब्जेक्ट है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन वास्तव में उद्देश्य, वास्तव में इसका सब्जेक्ट क्या है, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई केवल इसका सब्जेक्ट है। लेकिन ये झांसी की रानी, इसका विशेषता बता रहा है, झांसी की रानी, इसको और विस्तार से बता रहे कि लक्ष्मीबाई कौन है, झांसी की रानी है। लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला नहीं है बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। एक्चुअल में सब्जेक्ट लक्ष्मीबाई है, लेकिन लक्ष्मीबाई के बारे में और डिटेल में जानकारी क्या दी गई है,
झांसी की रानी, इसे हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। धीरे धीरे बहुत आसानी से आप पढ़ते चले जाए, बहुत ही आसान टॉपिक है, आप पूरी तरह समझ जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अंत तक मेरे साथ आप बने रहें। इसके बाद विधेय मतलब प्रेडिकेट, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम कहते हैं विधेय अथवा प्रेडिकेट। और विधेय का भी विस्तार हो सकता है, जैसे हमने देखा उद्देश्य का विस्तार होता है वैसे विधेय का भी विस्तार हो सकता है। जैसे मैंने बड़ी रुचि से पुस्तक पढ़ी, मैंने बड़ी रुचि से पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक पढ़ी क्या हो गया, विधेय हो गया, पुस्तक पढ़ी क्या हो गया, विधेय हो गया। और विधेय का विस्तार क्या होता है, बड़ी रुचि से हो गया, मैंने बड़ी रुचि से यह विधेय का विस्तार हो गया, समझे। और इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, मैंने, मैंने क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। आप समझिए होंगे, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट अथवा उद्देश्य, और उसके बारे में जो बात की जाती है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट अथवा विधेय। ये सभी बातें आपको जानना जरूरी है, तभी आप आगे इसके कॉन्सेप्ट को सही ढंग से समझ पाएंगे। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, इन इन सेंटेंस में हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, इसका विधेय क्या है। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, तो यहां भागता हुआ चोर इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंशन के साथ हो गया, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया, चोर के बारे में बात हो रही है। चोर के बारे में क्या डिटेल जानकारी दी जा रही है, भागता हुआ चोर, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया चोर उद्देश्य, और उद्देश्य का विस्तार क्या हो गया, भागता हुआ और तुरंत पकड़ा गया हो गया विधेय। वह बेचारा क्या कर सकता था, वह हो गया सब्जेक्ट, और बेचारा क्या हो गया, इसका उद्देश्य का विस्तार हो गया, क्या कर सकता था, इसका विधेय हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा था, मोर तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन यह सुंदर जो है उद्देश्य का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार सुंदर मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, तो उपरोक्त वाक्य में भागता हुआ और बेचारा और सुंदर उद्देश्य का विस्तार है। और यहां पर देखिए विधेय का विस्तार क्या है, विधेय का विस्तार तुरंत पकड़ा गया, तो विधेय है, लेकिन कैसे पकड़ा गया, तुरंत पकड़ा गया। और यहां पर ये जो क्या शब्द है, यह विधेय का विस्तार है, एक्सटेंशन इसमें कुछ और बात जोड़ी गई है। इसके बाद यहां पंख फैलाकर नाचना क्रिया वो कर रहा है, लेकिन कैसे नाच रहा है, पंख फैलाकर नाच रहा है, तो यह हो गया विधेय का विस्तार। तो आप धीरे धीरे एक दो बार आप देखेंगे, आप अच्छी ढंग से समझ जाएंगे, यदि नहीं समझेंगे तो आप रिवाइज करके पुनः देख लीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि उद्देश्य का विस्तार क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उद्देश्य के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है उसे हम कहते हैं उद्देश्य का विस्तार। इसी प्रकार विधेय में जो अतिरिक्त जानकारी दी गई है उसे हम कहते हैं विधेय का विस्तार। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट हमको डूअर ऑफ द एक्शन पता नहीं होता, कभी कभी हमको सब्जेक्ट डायरेक्टली पता नहीं चलता, छुपा हुआ रहता है। जैसे कि आओ एक वाक्य है, आओ अपने आप में भले आपको एक शब्द लग रहा है लेकिन एक वाक्य है, लेकिन इसमें क्या है, तुम शब्द छुपा हुआ है। तो इसमें जो उद्देश्य जो तुम है, जो सब्जेक्ट तुम है, वह छुपा हुआ है। तो आओ का मतलब हो गया तुम आओ, तो तुम हो गया सब्जेक्ट और आओ हो गया प्रेडिकेट, लेकिन वास्तव में आओ अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें तुम छुपा हुआ है, अप्रकट है। इसके बाद कभी कभी विधेय भी लुप्त रहता है, कभी कभी जो विधेय होता है प्रेडिकेट होता है वह भी छुपा होता है। जैसे कोई जैसे उदाहरण देखते हैं, कोई पूछता है कौन आएगा, कौन आएगा, किसी ने प्रश्न किया और इसका उत्तर दे दिया मैं, सिर्फ एक शब्द का उत्तर दे दिया, लेकिन वास्तव में मैं क्या छुपा हुआ है, मैं आऊंगा। तो यहां जो आऊंगा शब्द है, जो विधेय है, वह छुपा हुआ है। तो इस प्रकार आपको यह ध्यान में रखना है कि कभी कभी सब्जेक्ट भी छुपा रहता है और कभी कभी प्रेडिकेट मतलब उसका जो विधेय है वह भी छुपा रहता है, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको बता रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए। तो मतलब प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट जिसे हम कहते हैं विधेय। अब वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्राय परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न है ये। वाक्य को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, वाक्य को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो जब हम रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं, वाक्य के भेद जब हम बताते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। रचना की दृष्टि परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। अब आगे हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं,
आठ प्रकार के होते हैं, इसको आपको याद करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है पूरा। अब हम पहले देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में उद्देश्य तो एक से अधिक हो सकता है, सरल वाक्य का जो कर्ता है, जो उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट है, वह एक से अधिक हो सकता है, लेकिन उसका विधेय अथवा प्रेडिकेट यह अकेला रहता है। विधेय अथवा प्रेडिकेट क्या होता है, अकेला रहता है। जैसे विकास आया, इसमें एक सब्जेक्ट एक उद्देश्य और एक विधेय है। अजय ने खाना खाया, इसमें भी क्या है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। आगे देखते हैं, एक लड़का और चपरासी पहुंच गए, तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, एक लड़का और चपरासी, दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहां पर उद्देश्य दो हो गया और विधेय एक हो गया। अब यहां पर रागिनी, राहुल और सलीम आ गए, इसमें तीन एक्शन वर्ड है, तीन सब्जेक्ट है, उद्देश्य तीन है, रागिनी, राहुल और सलीम तीन लोग हैं, यहां पर आ गए हैं, तो विधेय एक ही है। तो ऊपर के पहले के दो वाक्य में उद्देश्य में एक एक पद है, मतलब एक एक उद्देश्य या सब्जेक्ट है, और तीसरे वाक्य में दो उद्देश्य हैं, ये और ये, और चौथे वाक्य में तीन उद्देश्य हैं, रागिनी, राहुल और सलीम, परंतु चारों वाक्यों में विधेय एक ही है। ये जो विधेय है यह चारों वाक्यों में एक है, ठीक है। ये सब सरल वाक्य हैं, सरल वाक्यों में केवल एक विधेय होता है। तो सरल वाक्यों को पहचानने का तरीका यह है कि सरल वाक्यों में उद्देश्य एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिकेट होता है, विधेय होता है, वह हमेशा एक होता है, यह ध्यान में रखना है आपको। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं, बहुत बहुत कठिन चीज नहीं है। और संयुक्त वाक्य तो बहुत ही सरल होता है, संयुक्त वाक्य जो कंपाउंड सेंटेंस है बहुत ही सरल होता है। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस, योजक के द्वारा जुड़े होते हैं, योजक को बोलते हैं कंजंक्शन, जैसे एंड, बट, ऐसे एंड या बट इत्यादि की सहायता से हम अंग्रेजी में जोड़ते हैं, वैसे हिंदी में भी और परंतु इत्यादि के द्वारा हम जोड़ते हैं। तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को हम योजक के द्वारा जोड़ते हैं, कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं, तब उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, और इसको पहचानना बहुत ही सरल होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राहुल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो देखिए और योजक जुड़ा हुआ है, योजक या फिर कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य होते हैं। यह भी एक सरल वाक्य है, राहुल स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है, यह भी एक सरल वाक्य है। तो दो सरल वाक्यों को योजक से जोड़ा गया है। यह ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है ना, दो या दो से अधिक, या तो दो होंगे या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे जो योजक के द्वारा, जो कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होंगे। जैसे वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया, तो वह चला गया एक सिंपल सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है, और यह दूसरा भी क्या हो गया, रास्ते से लौट आया भी सामान्य वाक्य, सरल वाक्य है, दो सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है और ये भी सरल वाक्य है, परंतु ये योजक है या फिर कंजंक्शन इससे जुड़ा हुआ। तीसरा, आप ठंडा लेंगे अथवा चाय मंगवाऊं, तो ये दो सरल वाक्य योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। दो सरल वाक्य या दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब योजक के द्वारा जुड़ते हैं तब उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य भी बहुत सरल है, लेकिन मिश्र वाक्य को समझने के लिए आपको उपवाक्य को समझना पड़ेगा, क्लाज को समझना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए पहले मिश्र वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। मिश्र वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और संयुक्त वाक्य को क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये देख सकते हैं आप, सरल संयुक्त वाक्य को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और सरल वाक्य को कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। अंग्रेजी में भी ध्यान में रखना है, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मतलब कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मतलब एक मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, उपवाक्य में आगे आगे आपको बताऊंगा, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, लेकिन क्या होता है, परंतु इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे तुम पास हो जाओगे
यदि तुम कड़ा परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे प्रधान उपवाक्य हो गया, और यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यह आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, जैसे पानी गिरेगी तब वह नहीं आएगा तो यह हो गया, पानी गिरेगी बारिश होगी तब वह नहीं आएगा, तो बारिश होगी क्या हो गया प्रधान उपवाक्य हो गया, तब वह नहीं आएगा आश्रित उपवाक्य हो गया। मतलब जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका अर्थ मुख्य रूप से प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इसको समझने के लिए, मिश्र वाक्य को समझने के लिए हमको उपवाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में क्लाज कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। अब उपवाक्य क्लाज क्या होता है, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ होता है। पद मैं बता चुका हूं, पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो, उसका अपना निश्चित अर्थ भी हो और एक बड़े वाक्य का हिस्सा हो, और जिसमें उद्देश्य भी होना चाहिए अर्थात सब्जेक्ट भी होना चाहिए और उसमें विधेय होना चाहिए प्रेडिकेट भी होना चाहिए, उपवाक्य कहलाता है। तो वाक्य ऐसा पदों का समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक बड़े वाक्य का हिस्सा हो, जिसका खुद का उद्देश्य हो और विधेय भी हो, वह उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं, राजीव ने कहा कि मैं खेलूंगा, पर यहां पर राजीव है ये, राजीव ने कहा कि मैं खेलूंगा, तो राजीव ने कहा क्या हो गया प्रधान उपवाक्य, राजीव ने कहा क्या हो गया प्रधान उपवाक्य ये, और कि मैं खेलूंगा ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि मैं खेलूंगा आश्रित उपवाक्य हो गया। अब उपवाक्य के प्रकार, उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, उपवाक्य के काम के आधार पर हम उपवाक्य को तीन भागों में विभाजित करते हैं क्लाजेस को। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, इसे कहते हैं नाउन क्लाज। दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लाज। और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लास अथवा एडवर्बियल क्लास। संज्ञा उपवाक्य देखते हैं नाउन क्लाज, जिस उपवाक्य का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब द क्लाज विच परफॉर्म्स जस्ट लाइक अ नाउन दैट इज कॉल्ड नाउन क्लास। तो जो क्लास जो नाउन की तरह काम करता है उसे हम कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। उदाहरण, अजय ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो यहां मैं पढ़ूंगा क्या हो गया, इसका काम क्या है, संज्ञा की तरह इसको हमने प्रयोग में लाए, इसे कहें इसलिए इसे हम कहेंगे संज्ञा उपवाक्य कि मैं पढ़ूंगा, है ना। अजय ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, ये नाउन की तरह काम कर रहा है इसलिए हम कहेंगे संज्ञा उपवाक्य। दो चार आप उदाहरण पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं, जिस उपवाक्य का प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, उसे हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। उदाहरण से समझिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो कौन आदमी के बाद किस आदमी की विशेषता बताई जा रही है, जो कल आया था, किस आदमी के बारे में बात कर किया जा रहा है, जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, तो जो कल आया था यहां पर विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचानते हैं, इसमें जो जैसा जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे यहां पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसे हम पहचान जाते हैं कि यह विशेषण उपवाक्य है। तो जो उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जाता है उसे हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य का क्या किसे कहते हैं, एडवर्ब क्लास। मैं आपको इन सब बातों का इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मिश्र वाक्य को पहचान पाएंगे, और मिश्र वाक्य में ये अगर पूछ दिया कि क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है तो बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जितनी भी बातें बता रहा हूं ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये मत समझिए कि मैं बिना मतलब के इसका लेंथ बढ़ा रहा हूं, है ना, लेक्चर का, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं पूरा डिटेल में बताता हूं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आपको कहां यहीं वहीं कहीं भटकने की जरूरत न पड़े और आपको एक ही लेक्चर में पूरा वीडियो पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो मेरे पुराने लेक्चर में आपको हैबिट है, और मेरा चैनल शॉर्टकट वालों के लिए तो हरगिज नहीं है। तो जो डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, अच्छी जानकारी जिनको चाहिए, जो स्तरीय कंटेंट चाहिए, तो उनके लिए मैं लेक्चर लेकर आता हूं, ठीक है ना। तो जिस उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब क्लास अथवा एडवर्बियल क्लास। जैसे उदाहरण के लिए, जब पानी बरसता है तब मेढक टर्राते हैं, क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, है ना, आर एन एडजेक्टिव, तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब की क्वालिटी बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। तो क्रिया विशेषण क्या है, यहां वर्ब क्या है, टर्राना। ये टर्राना की विशेषता क्या बता रहे है, जब पानी बरसता है, टर्राने का काम कब होता है, जब पानी बरसता है तभी मेढक टर्राते हैं। तो ये जो टर्राता जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहे है कब, जब पानी बरसता है। तो यहां जब पानी बरसता है
क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पहचानते हैं, क्रिया क्रिया विशेषण उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे? इसके शुरुआत में जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तब बहुत आसानी से हम पहचान जाएंगे क्रिया विशेष क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और यह प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है तो आपको पता ही है। अब कमायण रूप से हम कह सकते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्यों के प्रारंभ में, क्लाजेस के प्रारंभ में क्या आते हैं हिंदी में, ही, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यो ज्यो, और चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहां, इस टाइप के एक्सप्रेशंस आते हैं तब आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि यह क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये आप समझिए, अब आगे देखते हैं। अब आप समझिए कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे कि आप उदाहरण से समझिए, राहुल ने पूछा कि तुम कहां गए थे, तो देखिए राहुल ने पूछा प्रधान उपवाक्य हो गया और कि तुम कहां गए थे आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है, तो हम जानते हैं प्रधान उपवाक्य हो गया। और मैं बता चुका हूं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दो या दो से अधिक आश्रित और एक या एक से भी अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। तो कि वे आज नहीं आएंगे आश्रित उपवाक्य हो गया, और इसी प्रकार जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है यह भी आश्रित उपवाक्य है। तो इस सेंटेंस में यह प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है और इसमें दो आश्रित उपवाक्य हैं। ये पहला आश्रित उपवाक्य हो गया और ये दूसरा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दो आश्रित उपवाक्य हैं, एक प्रधान उपवाक्य है। अन्य उदाहरण परीक्षा में यह आता है कि आप सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, इसका दो सरल वाक्य दे देंगे, कंपाउंड बनाने को बोल देगा या फिर मिश्र वाक्य बनाने को बोल देगा या फिर उसको परिवर्तन करने को दे देगा, है ना। अन्य उदाहरण कौन से है, वह बालक खड़ा हो जाए जिसने शीशा तोड़ा है, तो वह बालक खड़ा हो जाए प्रधान उपवाक्य हो गया और जिसने शीशा तोड़ा है आश्रित उपवाक्य हो गया। यह विशेषता बता रहा है शीशा तोड़ने वाले लड़के के बारे में। जहां जहां हम गए हमारा भव्य स्वागत हुआ, ये दो बार टाइप हो गया, तो हमारा भव्य स्वागत हुआ प्रधान उपवाक्य है, और जहां जहां हम गए ये क्या हो गया आश्रित उपवाक्य हो गया। ये पहले भी हो सकता है ना, वाक्य का पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल बत्ती होते ही यातायात रुक गया, ये एक सरल वाक्य है। अरे सरल वाक्य को यदि आपको संयुक्त वाक्य बनाना तो ऐसे बनाएंगे, लाल बत्ती हुई और यातायात रुक गया। अब संयुक्त वाक्य में आपको पता है दो सरल वाक्यों को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है, योजक शब्द के द्वारा, कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये और क्या हो गया योजक शब्द हो गया, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। जैसे ही लाल बत्ती हुई यातायात रुक गया, तो मिश्र वाक्य हो गया। यातायात रुक गया क्या प्रधान उपवाक्य है, और जैसे ही लाल बत्ती हुई मिश्र वाक्य है। यहां दो सरल वाक्य हैं, घंटी बजी, छात्र घर चले गए। दो सरल वाक्यों को जोड़कर हम एक सरल वाक्य कैसे बना सकते हैं, घंटी बजते ही छात्र घर चले गए, दो सरल वाक्यों को हमने जोड़ दिया। इसी को दो सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं, जब घंटी बजी छात्र घर चले गए, तो छात्र घर चले गए प्रधान उपवाक्य है और जब घंटी बजी आश्रित उपवाक्य है। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसी प्रकार ये संयुक्त वाक्य है, पहला वाला, रवि को संस्कृत पढ़नी है और वह शिक्षक के घर गया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य कंजंक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, योजक शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, यहां पर और योजक शब्द है, तो यह संयुक्त वाक्य है। इस संयुक्त वाक्य को हम सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, रवि संस्कृत पढ़ने के लिए शिक्षक के घर गया, यह हो गया सरल वाक्य। इसी प्रकार इसको हम यदि मिश्र वाक्य बनाना चाहते हैं तो रवि शिक्षक के घर गया, यह प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि उसे संस्कृत पढ़नी है, यह आश्रित उपवाक्य हो गया, यह पूरा आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। अभी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देख रहा था रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम अर्थ के दृष्टि से देखेंगे अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, यह परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। तो यहां पर अर्थ के दृष्टि से वाक्य के आठ भेद होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य,
अथवा सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस, या विधानवाचक वाक्य भी इसको बोलते हैं। निषेधार्थक वाक्य अथवा नकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं। निषेधार्थक, निषेध मतलब नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है ना, निषेध निषेध जो बताता है, नकारात्मक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य अथवा प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आज्ञार्थक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य, प्रिजम्प्टिव सेंटेंस। इसके बाद संकेतार्थक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद इच्छार्थक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई विश या इच्छा डिजायर बोला जाता है। विस्मयार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे वाचक भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, विस्मय बोधक, निषेध बोधक, बोधक भी कहा जाता है, वाचक भी कहा जाता है। ये सब एक ही चीज है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए हम डिटेल में जरा देख लेते हैं इसको। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में किसी बात या काम के होने का सामान्य बोध होता है, अफर्मेटिव रहता है, सकारात्मक वाक्य रहता है। जैसे वह आया, सामान्य सी बात है, ठंडी हवा चल रही है, कुछ काम हो रहा है, ठीक है, सामान्य सी बात या सामान्य सी घटना हो रही है, अफर्मेटिव, सकारात्मक रूप से, अफर्मेटिव रूप से। निषेधार्थक क्या होते हैं? इस प्रकार के वाक्य में किसी काम का निषेध अर्थात ना करने या ना होने का भाव होता है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आएगा ही इसमें। जैसे वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा तो निगेटिव हो गया, निगेटिव सेंटेंस, निषेधार्थक वाक्य। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा तो नहीं आता है इसमें, निगेटिव आता है, कुछ ना करने या ना होने का भाव आता है, इसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य अथवा प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही आसान है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, कोई क्वेरी, कोई इंक्वायरी होती है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा आपको ध्यान देना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क रहता है, इंट्रोगेशन मार्क रहता है, वह कब आया, क्वेश्चन मार्क, मार्क मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहां पर जरूर रहता है। आज्ञार्थक वाक्य में कोई इंपरेटिव सेंटेंस में, इस प्रकार के वाक्यों में या तो आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, या फिर अनुरोध किया जाता है, कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे तुम यहां से चले जाओ, इसको ऑर्डर दे रहा है। किसी का दिल मत दुखाओ, मतलब ये एक प्रकार से रिक्वेस्ट है, हमको किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। संदेहार्थक वाक्य, प्रिजम्प्टिव सेंटेंस, जिसमें संदेह या शायद का भाव होता है, इस प्रकार के वाक्यों में संदेह अथवा संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे शायद आज वर्षा हो, मतलब संभावना है, संदेह की स्थिति है, संभावना है, शायद आज वर्षा हो मतलब संभावना है, हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, मतलब ये भी एक संदेह की बात है कि हो सकता है तुम्हें घर जाना पड़ जाए कुछ काम से, तो यह संदेहार्थक वाक्य में प्रिजम्प्टिव सेंटेंस में आपको संदेह या संभावना व्यक्त करनी होती है, ठीक है। इसके बाद संकेतार्थक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं, संकेतार्थक वाक्य, कंडीशन होता है जिसमें ऐसा होगा तो वैसा होगा। इस प्रकार के वाक्य में एक बात या कार्य का होना किसी दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करता है, इसमें शर्त होती है, कंडीशन लगा हुआ है, मतलब इसमें हमेशा शर्त होती है। तो एक घटना एक बात का होना किसी दूसरी बात या दूसरी घटना पर निर्भर करता है, इसे हम कहते हैं संकेतार्थक वाक्य अथवा कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो कंडीशन है, यदि वर्षा अच्छी होगी, कंडीशन बता रहा है कि यदि वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, यदि अच्छी वर्षा नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो ये फसल अच्छी होना किस बात पर निर्भर करता है? बारिश के ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास कब होगा कोई व्यक्ति? जब वो परिश्रम करेगा। तो यहां कंडीशन है, शर्त है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद इच्छार्थक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है, इच्छा व्यक्त की जाती है, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो, आपकी यात्रा शुभ हो, जैसे ऑल द बेस्ट हम बोलते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी बोलते हैं, ये सारी बातें किस में आती है? इच्छार्थक वाक्य में आते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है, तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा शुभ हो। इसके बाद विस्मयार्थक वाक्य, इसको भी पहचानना बहुत आसान है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं, विस्मय बोधक अथवा विस्मयवाचक, विस्मयार्थक वाक्य। इन वाक्यों में विस्मय, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य या हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक, शोक मतलब दुख और घृणा इत्यादि भाव प्रकट होते हैं, जैसे अरे तुम भी आ गए। यहां ध्यान रखिएगा, शुरू में जैसे अरे करके बोला है, यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ये मार्क जरूर आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा।
अरे तुम भी आ गए, वाह तुमने कमाल कर दिया। तो ये जो पहला जो एक्सप्रेशन है उसी के साथ आता है, आखिरी में पूर्ण विराम आता है, यहां पे फुल स्टॉप आता है, लेकिन यहां पर ये आश्चर्य प्रकट किया गया है, यहां पर क्या किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा जाता है, हाय यह क्या हो गया। तो ये देखिए यहां पर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अब वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो बहुत ही आसान है, वाक्य में भी परिवर्तन करना बहुत आसान है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, ये एसआरटी सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य है। अब इसको निषेधात्मक वाक्य में कैसे बदलना है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, निगेटिव एक्सप्रेशन आपने नहीं लगा दिया, तो ये हो गया। वह पाठ पढ़ेगा, यह भी विधेयवाचक वाक्य है, वह पाठ पढ़ेगा अफर्मेटिव अथवा असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। अब इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है आपको, इंटरगेटिव सेंटेंस। क्या वह पाठ पढ़ेगा, वह पाठ पढ़ेगा अफर्मेटिव है, इसको इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, क्या वह पाठ पढ़ेगा, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, बन गया बहुत आसानी से, क्या आपने लगा दिया शुरू में। तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ, कोई इसको ऑर्डर दे रहा है, तुम यहां से चले जाओ, आदेशात्मक वाक्य। अरे तुम यहां से चले जाओगे, अब ये देखो यहां पर विस्मयवाचक, विस्मयार्थक वाक्य में बदल दिया, अरे तुम यहां से चले जाओगे, तो मार्क आप एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है ये, तो इसमें वाचक वाक्य में ऐसे बदलते हैं। राहुल आज जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, विधेयवाचक विधेयार्थक वाक्य है। राहुल आज शायद ही जाए, इसको संदेहार्थक वाक्य में बदलना है, तो राहुल आज शायद ही जाएगा, या फिर शायद ही जाएगा, या गगा कर दीजिए, राहुल आज शायद ही जाएगा। तो इस प्रकार हम वाक्यों को आपस में परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो आज अभी हमने जो पढ़ा उसका संक्षेप में हम कर सकते हैं, सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है। सार्थक शब्द यहां पर हो गया पद, सार्थक शब्द का मतलब क्या हो गया, पद हो गया, क्योंकि वाक्य में हम पदों का प्रयोग करते हैं। तो सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है, जब हम पदों को निश्चित क्रम में जमा लेते हैं तब क्या है, एक वाक्य बनता है जिसे एक निश्चित अर्थ निकलता है और हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, प्रत्येक वाक्य के दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य मतलब उसका एक सब्जेक्ट होता है, जब रेखीय आदि से सब्जेक्ट होता है, और दूसरा भाग होता है विधेय मतलब प्रेडिकेट। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य और प्रेडिकेट मतलब विधेय। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, विधानार्थक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, निषेधार्थक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक वाक्य, इसमें हम प्रश्न बताते हैं इंटरगेटिव, आज्ञा अथवा आज्ञावाचक वाक्य जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, संदेहार्थक जिसमें संदेह प्रकट किया जाता है, संकेतार्थक जिसमें कंडीशन होता है संकेत, इच्छार्थक जिसमें हम इच्छा व्यक्त करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसमें आर्थक मतलब जिसमें हम आश्चर्य या भय अशोक या घृणा प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार आप लोगों ने भली भांति इस चैप्टर को समझ लिया होगा। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जो बताएं, साथ ही अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।